यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और श्रुति शर्मा 2021 के यूपीएससी के परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त की हैं। बिजनौर की रहने वाली हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की। पिछली बार जो टॉप किए थे शुभम कुमार, वह पहले नंबर पर आए थे 2020 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में। वो बिहार के थे और पूर्णिया से रहने वाले थे, मगर इस बार उत्तर प्रदेश से टॉपर निकल कर आई हैं। और जो इस बार के यूपीएससी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहले चार स्थान पर लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि लड़कियों का बोलबाला रहा है। महिलाओं का पाँचवें नंबर पर लड़के आए हैं। तो जो टॉप 20 रैंक हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहले नंबर पर श्रुति शर्मा हैं, दूसरे नंबर पर अंकित अग्रवाल हैं, तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगल हैं, चौथे नंबर पर ऐश्वर्या वर्मा हैं, पाँचवें नंबर पर उत्कर्ष द्विवेदी हैं, छठे नंबर पर यश चौधरी हैं, सातवें नंबर पर सम्यक एस जैन हैं और आठवें नंबर पर इशिता राठी हैं, नौवें नंबर पर प्रीतम कुमार हैं, दसवें नंबर पर हरकृत सिंह रंधावा हैं, ग्यारहवें नंबर पर शुभांकर प्रत्युष पाठक हैं, बारहवें नंबर पर यशार्थ शेखर हैं, तेरहवें नंबर पर प्रियंवदा अशोक हैं, चौदहवें नंबर पर अभिनव जे जैन हैं, पंद्रहवें नंबर पर एस यशवंत कुमार रेड्डी हैं, सोलहवें नंबर पर अंशुप्रिया हैं, सत्रहवें नंबर पर मेहक जैन हैं, अठारहवें नंबर पर रवि कुमार सिहाग हैं, उन्नीसवें नंबर पर दीक्षा जोशी हैं और बीसवें नंबर पर अर्पित चौहान हैं। ये टॉप 20 लिस्ट है। वहीं बात करें तो इस बार के टॉपर में जिस प्रकार से बता दिया कि श्रुति शर्मा हैं, जो बिजनौर के उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पिछले बार बिहार के टॉपर आए थे शुभम कुमार, जो बिहार के रहने वाले थे। यानी कि बिहार और यूपी से जो आईएएस निकलने का, यूपीएससी निकालने का जो क्रेज है वह लगातार बना हुआ है। इससे पहले बता दें कि श्रुति शर्मा जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं और जामिया मिलिया में भी पढ़ाई की हैं। वहीं इस बार 685 अभ्यर्थियों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 244 जनरल के हैं और ईडब्ल्यूएस के 73 संख्या है और ओबीसी की 203, एससी की 105 और एसटी की 60 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जोड़कर 685 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी में, मतलब कि इसमें अब इन लोगों को जो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी कैडर होगा वह रैंक के हिसाब से प्राप्त होगा इन सभी को। उसके बाद इन सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद सभी को अपने अपने विभागों के अंतर्गत काम में बांट कर प्रत्येक जिलों में अलग अलग जहां पर अधिकारियों की इनका कैडर जिस स्टेट में मिलेगा उस स्टेट में जाकर सेवाएं देनी होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश की बिजनौर से, और इस बार की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें रही कि चारों जो पहले चार स्थान पर लड़कियों का बोलबाला रहा और टॉप 20 में भी 10 मतलब आधी संख्या महिलाएं की ही रही। तो इस प्रकार हमने 20 जो यूपीएससी में सिलेक्शन हुए हैं उन अभ्यर्थियों को इसमें बताया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। मैं रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।